अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह। टुडे आई विल शेयर सम इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस अबाउट इंटर्नशिप। एज़ यू नो वेल, हुकूमत पाकिस्तान ने आल पाकिस्तानी के लिए बाख्तियार नौजवान इंटर्नशिप के नाम से एक बहुत अच्छी और बहुत बेनिफिटेड इंटर्नशिप का जो है वो आगाज़ किया है, जिसमें आल पाकिस्तान इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका प्रोसीजर शॉर्ट वर्ड में मैं आपको बता देती हूँ, जो कि मेरा अपना पर्सनल और एक्सपीरियंस है। उसमें सबसे पहले आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट जिसमें बाख्तियार नौजवान का आपके पास लिंक होगा, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो फर्स्ट इंटरफेस ओपन होगा, उसमें आपके पास जो लोगो लिखा हुआ होगा उसमें यही आएगा, बाख्तियार नौजवान। तो वहाँ आपके पास एक रजिस्ट्रेशन बटन होगा, वहाँ आप क्लिक करेंगे। इन सबसे पहले आप रजिस्टर होंगे उस वेबसाइट पर, देन उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो आप जब वहाँ रजिस्टर होने के लिए रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ब्लैंक पेपर ओपन होगा, जिसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन होगी आपकी, यानी आपकी प्रोफाइल उसमें सबसे पहले बनेगी। प्रोफाइल में आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, योर CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल अकाउंट, और इसके बाद फर्दर डिटेल्स आपके होंगे जस्ट प्रोफाइल बनाने के लिए। तो उसमें एक आपका होगा जीमेल अकाउंट और साथ आपका पासवर्ड। पासवर्ड वो नहीं जो आपने अपने ईमेल अकाउंट पे बनाया हुआ है, बल्कि पासवर्ड वो जो आपने इस वेबसाइट को अगेन एंड अगेन लॉगिन करने के लिए, यानी बाद में भी लॉगिन करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होगा, वो पासवर्ड आप यहाँ पुट करेंगे। और पासवर्ड का जो क्रिएशन प्रोसेस है वो यही है कि आप कुछ न्यूमेरिकल वर्ड्स लें और कुछ अल्फाबेटिक वर्ड्स लें, लाइक अपना नेम और उसके बाद 1, 2, 3, और कुछ सैम्पल्स ले लें, स्टैरिक और डॉट या इस तरह से जो भी। तो वो एक ऑथेंटिक और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लें जो बाद में आपको याद भी रहे इजी सा। और उसके बाद वहाँ पे आपका एक एक होगा ब्लॉग, जिसमें आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी होगी। तो मेरी वहाँ पिक्चर अपलोड नहीं हुई थी, बिकॉज वहाँ एरर आ रहा था और वो एरर रिजॉल्व नहीं हो रहा था, तो मैंने फ़िलहाल उसको स्किप कर दिया था। तो वहाँ मेरी पिक्चर प्रोफाइल क्रिएशन में नहीं हुई थी अपलोड, तो मैंने बाकी सारी चीज़ें उसमें पुट करके उसको ओके कर दिया था, यानी सेव कर दिया था। तो नेक्स्ट प्रोसेस में जब मैंने अपनी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पुट की थी, तो तब ये चीज़ें मेरे पास हो गई थी, तब मैंने उनको एडजस्ट कर लिया था। तो ये जब आप अपनी प्रोफाइल बना देंगे तो आपके पास फर्दर टू ऑप्शन ओपन होंगे, जिसमें उनकी डिटेल्स आ जाएगी, वर्क फॉर स्किल और बिल्ड फॉर स्किल। ये दोनों डिटेल्स जो हैं ये इंटर्नशिप जो बाख्तियार नौजवान है उसी के फर्दर टू इसकी कैटागरीज हैं। वर्क फॉर स्किल और बिल्ड फॉर स्किल्स का जैसे कि नेम से ही वाजे है कि बिल्ड का मतलब होता है मजीद बनाना या उसको आगाज़ मतलब उसका करना ना। तो उसमें आप क्या करेंगे कि जो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है कुछ किसी चीज़ का, तो आप उसमें काम कर सकते हैं, यानी आप सीख सकते हैं। और वर्क फॉर स्किल, आपके पास ऑलरेडी कोई स्किल है और आप उसके ऊपर काम करना चाहते हैं। तो यहीं से ही इनका मेन डिफरेंस हमें पता चल रहा होता है। बाकी अकॉर्डिंग टू इंटर्नशिप ये जो इन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं बाकायदा दोनों की फर्दर डिटेल्स और डिटेल में इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो इसी वेबसाइट पर मौजूद है। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके कम्प्लीटली रीड आउट कर सकते हैं कि इनकी ड्यूरेशन कितनी है। तो मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ, वहाँ आपका पूरा PDF होगी, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, यानी वर्क फॉर स्किल और बिल्ड फॉर स्किल दोनों की जो डिटेल है वो वहाँ पर मेंशन होगी। आपने उनको डाउनलोड करना है और PDF फॉर्म में अपने मोबाइल से उसको रीड करना है। और जितनी इंफॉर्मेशन मैंने अपनी शॉर्ट आपको बतानी है वो यही है कि जो बिल्ड फॉर स्किल है उसकी ड्यूरेशन 6 मंथ है, और 6 मंथ का यानी आपकी इंटर्नशिप होगी, और जो वर्क फॉर स्किल है उसकी 1 ईयर है, और दोनों के लिए ग्रेजुएशन यानी कि 14 ईयर एजुकेशन एंड 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है। डिप्लोमा होल्डर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा मैक्सिमम जो है वो 16 ईयर एजुकेशन है, लेकिन कुछ जैसे
सिंध के कुछ हैं सैलाब वाले इलाके, इसी तरह से पंजाब के कुछ जहाँ पे एजुकेशन कम वगैरह होती है वहाँ, इस तरह से उसके 14 ईयर वाले कर सकते हैं। और मंथली इनका स्टिपेंड जो होता है वो 25,000 से शुरू होता है टिल 40,000। तो वो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस एंड योर एजुकेशन उस पर डिपेंड करता है, वो हमें किसी चीज़ को कंफर्म नहीं है। वो जब हम इसके लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो हमें फर्दर डिटेल्स साथ साथ मिलेंगी, लेकिन उसमें जो मेंशन है वो यही है। तो इसके अलावा इनकी जो कितनी है कितनी वैकेंसीज वगैरह है वो सारी डिटेल्स उसमें फर्दर मौजूद है, आप खुद उसको बकायदा रीड आउट कर सकते हैं ईच एंड एवरी पॉइंट। उसके बाद जब आप वर्क फॉर स्किल और बिल्ड फॉर स्किल्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके लिए क्या क्या आगे पॉइंट्स होंगे, वो जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं, जो मुझे फेस करनी पड़ी है कुछ प्रॉब्लम्स, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप इसको अवॉइड करें। तो जो सबसे पहले बिल्ड फॉर स्किल है उसके लिए जो अप्लाइंग प्रोसेस है वो बहुत ईजी है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, यानी रजिस्ट्रेशन होगी आपकी। उसमें प्रोफाइल तो ऑलरेडी आपकी बनी हुई है जो आपने मेन पे बनाई थी, तभी जाके आपके पास दो ऑप्शन फर्दर ओपन हुए थे। तो अब आपने बिल्ड फॉर स्किल में अप्लाई करना है जहाँ पर आपने अपना एजुकेशनल डिटेल डालनी है, अपना नेम और बाकी चीज़ें जो जो रिक्वायर्ड होंगी वहाँ पे वो डालनी है। और वहाँ जो आपकी मेंशन होगा कि आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, तो वहाँ आप ब्राउजिंग पे क्लिक करेंगे तो गैलरी में जिस फोल्डर में आपके पास पिक्चर मौजूद होगी वो ऑलरेडी आपने पिक्चर आपने क्रॉप कर लेनी है, यानी उसका साइज़ कम कर लेना है, उसको एक अच्छे फॉर्म में रोटेट करके उसको साइज कम करके PNG या JPG फॉर्मेट में हो और वो अपलोड हो जाएगी। अगर उसका फाइल साइज ज़्यादा होगा तो वो अपलोड नहीं होगी, अगर वो कम होगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स होगा तो वो अपलोड हो जाएगी। और मेरी स्टार्ट में नहीं हो रही थी, फिर मैंने उसको फर्दर क्रॉप किया तो फिर मेरी वो अपलोड हो चुकी थी, हो गई थी। उसके बाद फिर ये सारी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने उसको ओके कर देना है और नेक्स्ट आपके पास ओपन हो जाएगा अपना एजुकेशनल डिटेल्स। एजुकेशनल डिटेल में ये सारे कुछ आपके पास अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, यानी आपके पास मैट्रिक है, उसके बाद FSC है, BSc है, MSc है, किस इंस्टीट्यूट से की है, किस यूनिवर्सिटी से की है, कौन सी उसकी स्टार्टिंग डेट थी, कौन सी एंडिंग डेट थी और रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट क्या थी। तो ये मैक्सिमम जो है वो क्वेश्चनिंग आ रहे थे कि कौन कौन सी डेट को डालना है। तो आप अपने माइंड में सोच लें कि किस डेट को, वैसे मैट्रिक की क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो अप्रैल से स्टार्ट होती हैं, तो वो आप लिखते हैं ठीक है। इसी तरह से जो कॉलेज होता है वो अगस्त सेप्टेम्बर से स्टार्ट हो रहा होता है तो वो लिख दें। उसके बाद जो रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट होती है वो आपकी डिग्री पे मेंशन होती है, तो इस तरह से वो डेट जो है वो उसमें कंफ्यूज ना हो तो वो वहाँ पुट कर दें। उसके बाद आपने एजुकेशन डिटेल डालने के बाद उसके बाद आपके पास थर्ड ऑप्शन होगा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। जब आपकी एजुकेशन डिटेल कंफर्म हो जाएगी आप उसको ओके कर देंगे तो उसके बाद आपकी ये एजुकेशनल डिटेल के बाद आपकी इंटर्नशिप वाली फॉर्म ओपन होगा। इंटर्नशिप फॉर्म में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी में यही होगा कि आप डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन करेंगे और उसके साथ हर अपॉर्चुनिटी का नेम मेंशन होगा और उसकी रिक्वायरमेंट मेंशन होगी और वे एक लिखा हुआ होगा वर्ड रीड मोर। आपने रीड मोर पे क्लिक करके देखना है कि इसका जो बेसिक है यानी कि बैकग्राउंड है वो किससे रिलेट करता है, सिविल इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है या कंप्यूटर से रिलेटेड है, IT सेक्शन से है, बिजनेस से है, मतलब किस फील्ड से है ये। तो जो आपको फील्ड अपनी डिग्रीज के अकॉर्डिंग लग रही होगी, यानी कंप्यूटर के स्टूडेंट्स कंप्यूटर IT में करना चाहते हैं या ई कॉमर्स में, या जिस तरह से उनके पास डिप्लोमास डिग्रीज हैं उस रिलेटेड वो अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ में बिल्ड फॉर स्किल्स के अकॉर्डिंग उस अपॉर्चुनिटी में करते रहेंगे। उस साथ ही उसके साथ ऑप्शन होता है अप्लाई का, तो आप अप्लाई करते रहेंगे। और एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, मैंने जब फोर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई कर लिया था, यानी एक एक पे अप्लाई कर सकते हैं, फिर आप इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करें, फिर अगली फर्दर आपके पास आती जाएंगी, तो आप बिल्ड फॉर स्किल्स में सिर्फ और सिर्फ फोर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओनली सिलेक्शन किसी एक में ही है, लेकिन आप अपनी मर्जी से किसी फोर में कर सकते हैं। मैं यही देखना चाह रही थी कि मैक्सिमम कितनी है हमारे पास लिमिट, तो जब मैंने फोर कर ली और फाइव के लिए करने लगी तो वो लिखा हुआ था कि आप ऑलरेडी फोर कर चुके हैं, यानी वो लास्ट लिमिट थी मेरी।
हर किसी की फर्दर उसके लिए कुछ अप्लाई नहीं, मतलब कुछ ओपन नहीं होता वहाँ पे। बिड फॉर स्किल्स का जो प्रोसेस यहाँ पर ही एंडिंग हो जाता है। अब आपने करना है वर्क फॉर स्किल, आपके पास स्किल्स हैं और आप उस पर काम करना चाहते हैं, उसके लिए आप वर्क फॉर स्किल पे क्लिक करेंगे। और इसी तरह से आपके पास एक अलग से इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपकी प्रोफाइल तो ऑलरेडी बनी होती है। जब हम रजिस्टर होते हैं तो हमारी प्रोफाइल बन जाती है दोनों सेक्शन के लिए, बिल्ड फॉर स्किल के लिए भी और वर्क फॉर स्किल के लिए भी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं फॉरगेट हो गई थी इसमें, सबसे पहले ये है कि जब आप अपना ईमेल अकाउंट वगैरह और पासवर्ड वगैरह डालते हैं तो प्रोफाइल बनाने के लिए फर्स्ट जो पेज आपका ओपन होता है उसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन पुश करने के बाद ओके करते हैं कि मैं रजिस्टर हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, तो आपके पास एक ऑप्शन आता है, एक पेज ओपन होता है जिसमें ईमेल आईडी आपकी रिक्वायर्ड होती है और आपका पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है, और साथ लिखा होता है फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट और वेरीफाई योर ईमेल अकाउंट। मतलब आपने अपना ईमेल अकाउंट वेरीफाई अपडेट करना होता है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है कि अपना ईमेल अकाउंट आप डालेंगे, साथ पासवर्ड डालेंगे और नीचे वेरीफाई का बटन होगा, तो वेरीफाई पर जब क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर मैसेज मिला हुआ होगा कि आपका अगर ईमेल वेरीफाई हो चुका है तो आप वेरिफिकेशन पे क्लिक करें, और आपके पास तो वहाँ वेरिफिकेशन का कोई बटन ही नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे कि आप अपना ईमेल अकाउंट यानी आप जीमेल ओपन करें, वहाँ पे जाके आप जहाँ पे आपको मेल वगैरह रिसीव होती हैं वहाँ आपको इस इंटर्नशिप वाली साइट की तरफ से एक कोड मिला हुआ होगा और वहाँ लिखा हुआ होगा वेरीफाई योर ईमेल। ठीक है, वहाँ जहाँ आपकी ईमेल रिसीव होती है वहाँ पर, वहाँ से ही आपने डायरेक्टली उस पर क्लिक करना है। एक बटन बना हुआ होगा उस पर लिखा है वेरीफाई योर ईमेल, वेरीफाई योर ईमेल पे क्लिक करना है तो आपको ऑटोमेटिकली ऑटो वेरीफाई करके दोबारा इंटर्नशिप वाले पेज पे ले आएगा, और वहाँ जाके आपने अपनी जीमेल अकाउंट डालना है और साथ वो वाला पासवर्ड जो इंटर्नशिप वाले फॉर्म पे आपने पुट किया था, वो वाला नहीं जो आपने जीमेल अकाउंट बनाते हुए किया था, जो आपने इंटर्नशिप वाले फॉर्म को क्रिएट करते हुए आपने जो इजी सा पासवर्ड डाला था वो आपने ईमेल अकाउंट के नीचे पासवर्ड वाले ब्लॉक में पुट करना है, और साथ आपके गूगल पे मेंशन हो रहा होगा सेव योर इन्फॉर्मेशन यानी आपका ईमेल अकाउंट, और साथ आपका ये पासवर्ड सेव हो जाए ताकि अगेन एंड अगेन आपको लॉग इन करते हुए बार बार डिफिकल्टी ना हो, आप बार बार टाइप ना करें पासवर्ड अपना, तो वो आप सेव कर लें ताकि आपके लिए ईजी हो। उसके बाद आपने जब मैं बता रही थी आपको कि आपने बिल्ड फॉर स्किल के लिए कैसे अप्लाई करना है, वर्क फॉर स्किल के लिए, सॉरी, वर्क फॉर स्किल में आपकी प्रोफाइल तो रेडी हुई हुई होगी, आपने जस्ट अपनी एजुकेशनल डिटेल डालनी है, उसमें दोबारा से आप अपनी सारी एजुकेशन जो कि मैट्रिक से लेकर एमएससी लेवल तक है वो सारी आपने उनके स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, डिक्लेरेशन डेट और वो सारा कुछ आपने करना है। और वहाँ पे आपका एक और चीज़ मेंशन हो जाती है कि वहाँ आपने अपनी सारी डिग्रीज की पिक्चर स्कैन करके उनको क्रॉप करके उनका साइज कम करके वहाँ अपलोड भी करनी है, चूज फाइल होगा, वहाँ ब्राउजिंग करके आप गैलरी में ऑलरेडी आपकी पिक्चर क्रॉप साइज के साथ मौजूद होंगी, वहाँ आप अपलोड कर सकते हैं उनको। तो उसके बाद ये सारी पिक्चर्स अपलोड करने के बाद मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जिस तरह से पिक्चर का साइज कम होगा तभी अपलोड होगी, और उसके बाद फिर ये सारी एजुकेशन डिटेल के बाद आपकी ये साथ साथ एप्लीकेशन स्टेटस पे मेंशन होता रहेगा, प्रोफाइल कंप्लीटेड, एजुकेशनल डिटेल कंप्लीटेड। नेक्स्ट आपका आएगा एप्लीकेशन डिटेल, एप्लीकेशन डिटेल में आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगी, यानी आपकी एजुकेशन डिटेल के बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगी, आपने उन इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करना है कि क्या क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और उसके बाद आपने उनको टिक करना है कि मैं रीड कर चुकी हूँ। फिनिश टेस्ट के बाद आपके पास जो फाइनल पेज ओपन होता है उसके पास उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी भी होती हैं, वो आपने रीड करनी है कि मैं टेस्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ और मैं सारी इंस्ट्रक्शंस भी रीड कर चुकी हैं, तो आपके पास यस या नो का ऑप्शन होगा कि यस मेरी सारी ये जो डिटेल है वो कंप्लीट है, तो ऑफ कोर्स ऑब्वियसली आप यस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करेंगे, यानी आप एक तो वर्क फॉर स्किल वाला पेज आपने ओपन किया हुआ है, वहाँ प्रोफाइल के नीचे एप्लीकेशन डिटेल यानी एजुकेशन डिटेल से नीचे एप्लीकेशन डिटेल आएगी, एप्लीकेशन डिटेल से नीचे आपके पास एप्लीकेशन स्टेटस आएगा, आप एप्लीकेशन स्टेटस पे देखेंगे तो आपके पास मेंशन होगा कि सक्सेसफुली सबमिटेड, वो लिखा हुआ आएगा ऑप्शन,
और जब सक्सेसफुली सबमिटेड आएगा तो इट्स मीन कि आपकी तरफ सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो आपने उसके बाद कुछ भी नहीं करना, आपका एक ही काम है, आपने वेट करना है कि आपका रिजल्ट क्या आया है क्या नहीं। जिस तरह से हमारे साथ हो रहा है कि हमें भी उसके बाद नहीं पता कि हमने कब चेक करना है क्या करना है, साथ साथ आप चेक करते रहेंगे कि कब हमारा रिजल्ट आया या नहीं आया, ठीक है। तो और फिर आपका वो टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और एप्लीकेशन स्टेटस में जाके आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन में भी लिखा हुआ होगा कंप्लीटेड और एप्लीकेशन में भी लिखा हुआ होगा कंप्लीटेड जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो बस उसके बाद आपने वेट करना है जिस तरह से हम कह रहे हैं सारे। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो शुक्रिया, आप सब भी अप्लाई करें बिकॉज काफ़ी बेनिफिटेड है ये वेबसाइट पे जो इंटर्नशिप उन्होंने अलाउ किए हैं। तो अच्छा है कि सारे पाकिस्तानी इसमें इन्वॉल्व हों और हमें इसका सर्टिफिकेट मिलेगा और एक डिप्लोमा मिलेगा, तो हमें फर्दर डिटेल्स के लिए या फर्दर जॉब्स के लिए उसकी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और इसमें मैंने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वर्क फॉर स्किल में तो काफ़ी ज़्यादा स्किल्स हैं, जिसमें हम अगर कंप्यूटर की डिफरेंट लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, CSS, बूटस्ट्रैप, HTML, SQL, डेटाबेस, अगर हम टीचिंग से रिलेटेड हैं तो टीचिंग का हमारे पास एक्सपीरियंस होता है, उस पर काम करना चाहते हैं वो भी लिखा हुआ है, अगर हम बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं तो उसमें भी लिखा हुआ है, अगर हम पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी तरह से करते हैं तो उसमें भी, वो मतलब डिफरेंट फील्ड हैं जिस तरीके से आपसे आप करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करें। और ताकि मतलब हमें अपनी कुछ जिसके बारे में हमें नॉलेज है एक्सपीरियंस है हम उसको चूज़ करेंगे ना। तो वर्क फॉर स्किल में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिसमें आप कुछ नो हाउ है आपको तो वो चूज़ करें। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि सब अप्लाई करें। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।